प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और वह 72 साल के हो गए हैं। हर साल प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए कुछ न कुछ खास करते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी अपने जन्मदिन को खास मनाने के लिए नामिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। इस दौरान पीएम ने चीतों की फोटो भी खींची। पीएम मोदी अपने हर जन्मदिन पर अपनी माँ हीराबेन से मिलने जाते हैं, लेकिन ये उनका पहला जन्मदिन है जब वह अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाए, लेकिन उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शनिवार को 15 दिवसीय रक्तदान अभियान की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर राजनेताओं से लेकर कई बॉलीवुड सितारों ने भी उन्हें बधाई दी है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरी कामना है कि आपके द्वारा अतुलनीय परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा और सृजनशीलता के साथ किया जा रहा राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे। मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि देश के सर्वप्रिय नेता और हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मोदी जी ने अपनी भारत प्रथम की सोच और गरीब कल्याण के संकल्प से असंभव कार्यों को संभव करके दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। उन्होंने अपने नेतृत्व में देश में प्रगति और सुशासन को अभूतपूर्व मजबूती दी है और पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सीएम नीतीश ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी है। भूपेश बघेल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके जन्मदिन के अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की शुभकामनाएं, श्री पशुपतिनाथ सदैव आपकी रक्षा करें। तो वही इस अवसर पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने जन्मदिन पर माँ हीराबेन का आशीर्वाद न ले पाने पर भी बात कही। श्योपुर में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज के दिन आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं मेरी माँ के पास जाऊँ, उनके चरण छू कर आशीर्वाद लूँ, लेकिन आज मैं माँ के पास नहीं जा सका। लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की अन्य समाज की गाँव गाँव में मेहनत करने वाली लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।